फ्रिक्शनल फोर्स सीजेस टू एक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स सीजेस टू एक्ट, आई मीन टू से फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, जैसा कि इस सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। अब जो मुझे खास बात बताना है, दैट इज कि थियोरेटिकली हमने ऐसा कहा, ऐसा होना चाहिए। थियोरेटिकली यह मतलब निकला कि एक सॉलिड रिजिड हेमिस्फीयर, सॉलिड रिजिड स्फीयर को यदि हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर दिया, भले ही वहां पर फ्रिक्शन है, भले ही वह रफ सरफेस है, मगर वह स्फीयर रोल होता ही जाएगा इंफिनिटी तक, चाहे जिस स्थिति में उसको रोल करा गया हो, चाहे वह प्योर रोलिंग रहा हो, चाहे वह इम्प्योर रोलिंग रहा हो। प्योर रोलिंग में तो उसको रोल करते ही जाना है, इम्प्योर रोलिंग में भी अल्टीमेटली फ्रिक्शन की वजह से प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश हो जाएगा, और प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश हो जाने के बाद जो भी कुछ उसकी वेलोसिटी है दैट वुड बी फाइनाइट, जो भी कुछ उसकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट वुड बी फाइनाइट एंड नॉन जीरो, और उस फाइनाइट और नॉन जीरो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उस स्फीयर को हमेशा के लिए रोल होते ही जाना है। ऐसा होगा यदि सॉलिड रिजिड स्फीयर हो और वह हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर रहा हो, बट ऑल दिस इज थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली स्फीयर, स्टील का भी स्फीयर लिया जाए, उसको रोल कर दिया जाए तो वह रुकता है। क्यों रुकता है हम यह समझाते हैं, क्योंकि इस जगह पर जो हमने एजम्पशन कर लिया, रिजिड स्फीयर, वह रिजिड स्फीयर का एजम्पशन ही गलत रहा है। कोई सा भी स्फीयर, इट मे बी मेड अप ऑफ एनी मेटल, इट कैन नेवर बी रिजिड। किसी भी मटेरियल का बना हुआ स्फीयर हो, चाहे वह स्टील का हो, चाहे वह कॉपर का हो, चाहे वह प्लेटिनम का हो, चाहे वह गोल्ड का हो, किसी का भी मटेरियल का बना हुआ स्फीयर हो, वह डिफॉर्मेबल स्फीयर होता है। और ऐसा डिफॉर्मेबल स्फीयर जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रोल कर दिया जाए तो वहां पर कभी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बजाय वहां पर हमेशा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, कुछ इस तरह से। यदि रिजिड स्फीयर हुआ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर रिजिड स्फीयर होता ही नहीं है, और क्योंकि रिजिड स्फीयर नहीं होता है, डिफॉर्मेबल स्फीयर होता है, इसलिए स्फीयर के द्वारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनने के बजाय हमेशा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। अब इस स्फीयर को आपने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर दिया है, इसकी कुछ वेलोसिटी है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी, इसकी कुछ वेलोसिटी है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी मे बी इक्वल टू ओमेगा आर, और दैट वेलोसिटी मे बी ग्रेटर देन ओमेगा आर, और दैट वेलोसिटी मे बी लेस देन ओमेगा आर। Depending on the situation, frictional force लग भी सकता है, forward direction में भी हो सकता है और backward direction में भी हो सकता है।
या नहीं भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया इससे पहले। यह फ्रिक्शनल फोर्स यदि V इक्वल टू ओमेगा आर हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, V ग्रेटर देन ओमेगा आर हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, V लेस देन ओमेगा आर हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगे, हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का तो कोई खास रोल अभी हम देखेंगे कि होगा ही। mg वुड एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, mg बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगे। The interesting situation is about the normal reaction. Normal reaction is the reaction force offered by ground, offered by horizontal surface. Normal reaction जो है वह horizontal surface के द्वारा offered force. It's not a point force. यह एक पॉइंट फोर्स नहीं है, इट्स ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पूरे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन को देखकर हम बताते हैं। देखिए, जब यह स्फीयर ऐसे घूम रहा है तो स्फीयर का यह पॉइंट जमीन छोड़कर उठ रहा है। स्फीयर का यह पॉइंट जमीन छोड़कर तो तभी उठेगा ना, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पर। यह पॉइंट जमीन छोड़कर ऊपर उठ रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया और स्फीयर का यह पॉइंट जमीन से टकरा रहा है। जमीन से टकराते हुए स्फीयर के इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन जबरदस्त लगी। हम कहते हैं इस स्फीयर पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगी। दिस वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कलर चेंज कर देता हूं। यह नॉर्मल रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वह नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ कम होगी और आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अधिक होगी। दिस नॉर्मल रिएक्शन वुड प्रोवाइड डिसीलरेटिंग टॉर्क। हियर normal reaction N provide decelerating torque. And hence omega decreases इस वजह से ओमेगा डिक्रीज होएगा, विच वुड कंपेल वेलोसिटी टू डिक्रीज। ओमेगा जब डिक्रीज हो रहा है, प्योर रोलिंग एस्टेब्लिश करके रखना है,
एंड हेंस वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस एंड दिस वी आर अल्टीमेटली स्टॉप्स रोलिंग. और इस तरह से कोई सा भी स्फीयर अल्टीमेटली रोल करना बंद कर देगा और रुक जाएगा. मैं इधर बता दूं, इट्स नॉट फ्रिक्शनल फोर्स विच इज स्टॉपिंग द स्फीयर, क्योंकि यदि यह प्योर रोल कर रहा है तो प्योर रोल करने वाली बॉडी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट ही रोटेट करती है. प्योर रोल करने वाला स्फीयर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट ही प्योरली रोटेट करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स तो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो कोई टॉर्क मिलना ही नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो स्फीयर कभी रुक ही नहीं पाएगा. एक और बात बता दूं, यदि फ्रिक्शनल फोर्स किसी चीज को रोकने के लिए आ जाए, फ्रिक्शनल फोर्स किसी चीज को अपोज करने के लिए आ जाए, तो वहां भारी अपोजिशन मिलता है, वो स्फीयर बड़ी जल्दी रुक जाएगा. मगर एक स्टील का स्फीयर हार्ड सरफेस पर रोल कर दिया जाए तो इतनी जल्दी नहीं रुकता, वो लंबी दूरी तक रोल करता चला जाता है और बड़ा धीरे धीरे रुकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसको रोकने के पीछे फ्रिक्शनल फोर्स का हाथ नहीं, उसको रोकने के पीछे नॉर्मल रिएक्शन का हाथ. फ्रिक्शनल फोर्स यदि उसको रोक रहा होता तो इतना जल्दी और इतना तेजी से रोक देता कि जरा सी दूरी पर ही जाके रुक जाता. मगर नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि उसको रोका है, नॉर्मल रिएक्शन को इतना तेजी से रोक नहीं पाता है, नॉर्मल रिएक्शन को धीरे धीरे धीमा करेगा और धीरे धीरे धीमा करके दूर जाके रुकेगा वो. तो इस तरह के स्फीयर को हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ही धीमा करता है और नॉर्मल रिएक्शन ही इस स्फीयर को रोकता है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट टू बी डेवलप्ड. अब इसके बाद मैं बताऊंगा, जब एक साइक्लिस्ट बाइसाइकिल चलाता है तो उस बाइसाइकल पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्हील पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा, किस तरह से और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है. इस सिचुएशन को ध्यान से देख लो.
स्फीयर और स्फीयर के अलग अलग केसेस समझाने के बाद नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ अ बाइसाइकल व्हेन अ साइक्लिस्ट वह एक बाइसाइकल चला रहा है और इस बाइसाइकल पर अलग अलग सिचुएशन में फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस कैसे किस तरह से और किस डायरेक्शन में एक्ट करती हैं हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अलग अलग केस सबसे पहले बाइसाइकल इज एट रेस्ट एंड साइक्लिस्ट स्टार्ट पैडलिंग। बाइसाइकल रेस्ट पर है, साइक्लिस्ट पैडलिंग स्टार्ट कर रहा है और पैडलिंग स्टार्ट करते हुए वह साइकिल को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को जीरो से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। केस वन, साइक्लिस्ट स्टार्ट पेडलिंग एंड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। अब जरा सोचिए पेडलिंग करते समय साइक्लिस्ट बेसिकली क्या करता है। साइक्लिस्ट पेडलिंग करते समय इस पैडल पर पांव के द्वारा फॉरवर्ड और इस पैडल पर पांव के द्वारा बैकवर्ड टॉर्क प्रोवाइड करता है, इस तरह से इसको दबाता है। वो टॉर्क प्रोवाइड करके पैडल के द्वारा इसे रोटेट करने की कोशिश करता है। बेसिकली वह इस पैडल को रोटेट कर रहा और पैडल के द्वारा व्हील को रोटेट कर रहा है। यह जो व्हील है इन चेन से बंधी हुई है। व्हील के रोटेट करने से चेन ट्रांसलेट होती है और उस चेन के ट्रांसलेशन से पीछे की तरफ यह व्हील रोटेट होता है। बेसिकली वह साइक्लिस्ट जो कर रहा है दैट इज ही इज रोटेटिंग दिस रियर व्हील। वह अपने पांव के माध्यम से पेडल के माध्यम से इस रियर व्हील को रोटेट करने की कोशिश कर रहा। वो रियर व्हील को ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो रियर व्हील को रोटेट करने की कोशिश कर रहा। तो रियर व्हील पर कौन सी कंडीशन बन जाती है? इट्स रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। रियर व्हील is being rotated without translation। कोशिश की जा रही है रियर व्हील को रोटेट करने की और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की जा रही। ऐसी सिचुएशन में यह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे जाने की कोशिश करेगा मगर जमीन उसे पीछे नहीं जाने देगी। जमीन उसे पीछे नहीं जाने देने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगाने देगी और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टायर आगे की तरफ ट्रांसलेट करना चालू कर देगा। यह टायर आगे की तरफ ट्रांसलेट करना चालू कर देगा इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अब जब यह टायर हल्का सा आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा तो इसके हल्का सा आगे की तरफ ट्रांसलेट करने की वजह से इन रॉड्स में कंप्रेशन आएगा। यह रॉड्स में कंप्रेशन आ जाएगा। इन रॉड्स में कंप्रेशन आने की वजह से अल्टीमेटली यह रॉड इस व्हील को आगे की तरफ ड्रैग करना चाहेगी।
यह रॉड इस व्हील को आगे की तरफ ड्रैग, जैसे ब्लॉक को हम धक्का देते, इस तरह से यह रॉड इस व्हील को एक ब्लॉक के माफिक आगे की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगी। फ्रंट व्हील इज ट्रांसलेटेड विदाउट रोटेट, इसको रोटेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। फ्रंट व्हील इज ट्रांसलेटेड विदाउट रोटेशन, क्योंकि पीछे वाला व्हील को रोटेट करा, रोटेशन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगने से ये सारी रॉड्स में कंप्रेशन आया, और इन सारी रॉड्स में कंप्रेशन की वजह से अल्टीमेटली इस रॉड के द्वारा यह व्हील आगे की तरफ ऐसे इसको पुश मिल रहा है इस सेंटर पॉइंट पर, इसके सेंटर ऑफ मास, और इस व्हील को इस रॉड के द्वारा जब आगे धक्का दिया जा रहा है तो इस व्हील का ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन वाली कंडीशन बन गई है, और उस ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस व्हील पर हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगाने लगेगा। हेंस ऑन रियर व्हील FR एक्ट फॉरवर्ड एंड ऑन फ्रंट व्हील फ्रिक्शन एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में रियर व्हील पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा और फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा। अब जरा सोचिए, क्योंकि साइक्लिस्ट जो बैठा है उसकी सीट पीछे की तरफ है, साइक्लिस्ट जो बैठा है उसकी सीट पीछे की तरफ ज्यादा होती है, तो रियर व्हील पर जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, और रियर व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन जब ज्यादा मिलेगा और फ्रंट व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन कम मिलेगा। आप जरा सोचिए, चलाते समय क्या आप आगे जाके उसकी पेडलिंग करते हो, पेडलिंग करते समय ऑलवेज प्रिफर सेटिंग अवे फ्रॉम फ्रंट व्हील, यदि आप आगे वाले व्हील की तरफ आगे की तरफ शिफ्ट होकर पेडलिंग करने की कोशिश करोगे तो समस्या हो जाएगी। साइकिलिस्ट की डिजाइन कुछ ऐसी होगी, साइकिल की डिजाइन कुछ ऐसी होगी कि जो सीट है जिसका अधिक से अधिक वजन रियर व्हील पर आए, पिछली वाली सीट पर आए। ऐसी सिचुएशन में रियर व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल जाएगा, रियर व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल जाने से रियर व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा मिलेगा, रियर व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा मतलब फॉरवर्ड फ्रिक्शन ज्यादा, और फ्रंट व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन कम मिलेगा। फ्रंट व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन कम मिलने से फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स कम होएगा, मतलब बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स कम होएगा, रियर व्हील पर लगने वाला फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, फ्रंट व्हील पर मिलने वाला बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स कम है, इस वजह से यह गाड़ी इस पर नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से यह साइक्लिस्ट एक्सीलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। दिस वुड बी द सिचुएशन व्हेन साइक्लिस्ट स्टार्ट पेडलिंग एंड इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी।
पेडलिंग स्टार्ट करते समय भी यह सिचुएशन रहेगी, और पेडलिंग स्टार्ट करने से लेकर वो जब तक पेडलिंग करके अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहा है तब तक वहां यह सिचुएशन रहेगी। अब इसके बाद साइक्लिस्ट काफी समय तक पेडलिंग कर लिया, पेडलिंग करके अपनी वेलोसिटी बढ़ाता गया, और अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने के बाद उसकी अच्छी खासी वेलोसिटी हो गई। वो अच्छी वेलोसिटी से आगे की तरफ साइकिल ड्राइव भी कर रहा है। इसके बाद फर्दर वेलोसिटी बढ़ाना खतरनाक है, फर्दर और पेडलिंग नहीं करनी चाहिए, फर्दर और वेलोसिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। वैसे भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आने के बाद उसके बाद वेलोसिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एयर का विस्कस, ड्रैग, फ्रिक्शन, वो सब उसको आगे बढ़ाने नहीं देता, उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, तो बहुत ताकत लगाने के बाद भी वेलोसिटी फिर उसके बाद फर्दर बढ़ती नहीं। तो बेहतर है एक ऑप्टिमाइजेशन कर लेना, एक पर्टिकुलर एफर्ट लगाए, पर्टिकुलर एनर्जी लगा दी, और उसके बाद में एक ऑप्टिमम वेलोसिटी आ गई, और फिर उस ऑप्टिमम वेलोसिटी के साथ में चले। साइकिल के लिए वो ऑप्टिमम वेलोसिटी है समझिए 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा एक बायसाइकिल, उसके लिए इतनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है तो ऑप्टिमम स्पीड है। इससे ज्यादा, इससे आगे फर्दर उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मान लीजिए उसकी वह वेलोसिटी आ गई जो मैक्सिमम उसको चाहिए, और उसके बाद उस ऑप्टिमम मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद आफ्टर अचीविंग अ डिसेंट वेलोसिटी साइक्लिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग, केस टू, वो पेडलिंग बंद कर देता है। केस टू, साइक्लिस्ट अचीव्ड सब्सटेंशियल वेलोसिटी, साइक्लिस्ट एक्वायर्ड सब्सटेंशियल वेलोसिटी एंड स्टॉप्स पेडलिंग। मैं एक से डेढ़ मिनट अब आपको सोचने के लिए देता हूं कि सिचुएशन में क्या होगा, फिर बोलना चालू करूंगा।